से प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5, 11th क्लास के एनसीईआरटी का, और ये है सेकेंड लेक्चर जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। सो एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे रिगार्डिंग मोशन, तो पहले लॉ को अच्छे से हम समझेंगे। आर्टिकल है 5.4, गैलीलियो सिंपल बट रिवोल्यूशनरी आइडियाज डीथ्रोन एरिस्टोटलियन मैकेनिक्स। मतलब गैलीलियो के आइडिया सिंपल तो थे पर क्रांतिकारी थे, और उसी की वजह से क्या हुआ, एरिस्टोटल की जो मैकेनिक्स थी वो जो टॉप पर थी उस समय, उसको उसका डाउनफॉल हुआ। ए न्यू मैकेनिक्स हैड टू बी डेवलप्ड, दिस टास्क वाज, जो नई मैकेनिक्स डेवलप हुई, दिस टास्क वाज अकम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली बाय आइजक न्यूटन। तो न्यूटन जो है हाईलाइट हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ढूंढेंगे तो बोले मैथमेटिशियन, पर आप देखेंगे फिजिक्स में हर चैप्टर में इनका कंट्रीब्यूशन है। न्यूटन बिल्ट ऑन गैलीलियोज आइडियाज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन। तो पूरी जो मैकेनिक्स की फाउंडेशन है वो न्यूटन ने बिल्ड की थी, दैट गो बाय हिज नेम। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज हिज स्टार्टिंग पॉइंट which he formulated as the first law of motion. तो जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था उसको नाम दिया गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्टेटमेंट तैयार करना है एग्ज़ाम में। बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 11th के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको हमेशा एग्जाम्पल के साथ बताना है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, देन सम एग्जांपल, सेकंड लॉ देन सम एग्जांपल, थर्ड लॉ देन सम एग्जांपल, ऐसे बताना है। और कंपटीशन में आएगा तो आपको पहचान करनी होगी एग्जांपल के बेसिस पर कि वो जो पर्टिकुलर एग्जांपल है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ इन्वॉल्व है। जैसे फॉर इंस्टांस अभी मैं आपसे पूछूँ, बताइए रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन विच लॉ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो अच्छे से सोच लेना इस पर, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। रॉकेट प्रोपल्शन फर्स्ट लॉ तो कोई भी नहीं बोलता है, पर सेकेंड और थर्ड में कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे। तो एक्चुअली सेकेंड और थर्ड में से किस पर बेस्ड है तो हम ये डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बनता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अब ये लिखने का एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। दूसरा तरीका हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर्टेन वेलोसिटी से चल रही है तो उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो बेसिक लॉ है, हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाय जीरो एक्सेलेशन, क्योंकि फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलेशन जीरो है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलेशन इज जीरो। एक्सेलेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, सिर्फ उसी कंडीशन में नॉन जीरो एक्सेलेशन होगा, नहीं तो उस बॉडी का एक्सेलेशन जीरो होगा। Two kinds of situations are encountered in the application of this law in practice. In some examples, we know that the net external force on the object is zero. In that case, we can conclude that the acceleration of the object is zero. For example, a spaceship out in interstellar space, far from all other objects, जो भी उस पर force लगा सकते थे gravity की वजह से, वो सारे objects बहुत दूर हैं, ये assumption लेते हैं हम। And with all its rockets turned off,
उसमें कोई भी रॉकेट हमने चालू नहीं किया हुआ। आपको पता होगा चंद्रमा पे उतरना है, मंगल ग्रह पर उतरना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट चलाने होते हैं। अगर ऑर्बिट चेंज करना है तो फिर रॉकेट चलाना होता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड जो हम पढ़ेंगे जस्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद। हैज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब ना तो कोई ग्रेविटी का फोर्स है इस रॉकेट स्पेस स्पेसशिप पे, ना ही कोई रॉकेट हमने चला रखा है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इट्स एक्सेलेरेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी जीरो। इफ इट इज इन मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो चलता ही रहेगा और यही होता है, वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। और उसको जो फ्यूल चाहिए वो नाम मात्र का है, वो किस लिए चाहिए, इसके ऑपरेशंस के लिए, जैसे सोलर पैनल्स को खोलना है, बंद करना है, और जिस भी उद्देश्य से उसको भेजा गया है, फोटो खींचने वगैरह वगैरह, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स चल रहे हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, बाकी चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। गैलीली गैलीलियो के बारे में इस ब्लू बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। मोर ऑफन हाउएवर वी डू नॉट नो ऑल द फोर्सेस टू बिगिन विद। इन दैट केस इफ़ यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज अनएक्सलरेटेड, दैट इज इट इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन है, गौर करें लीनियर मोशन। रिसेंटली हमने पढ़ा था बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ध्यान में रखिए हमेशा उसके लिए तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए चाहिए, और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जहाँ आएगा वहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स बैकग्राउंड में काम करेगा, यानी वहाँ पर फोर्स जीरो नहीं होगा। हाँ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जीरो होगा। वी कैन इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। ग्रेविटी इज एवरीवेयर हम जानते हैं। फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमिना, जितने भी फिनोमिना अर्थ पर हो रहे हैं उन सब के लिए हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो अर्थ से बाहर होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। आपने सुना होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म, यूएफओ यानी अन एंड आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी उड़न दस्ते, उसके लिए यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल कौन सा हो गया, जो अर्थ से रिलेटेड है। सो फॉर टेरेस्ट्रियल स्पेलिंग आपको तैयार करनी है, ये टर्म ट्वेल्थ में भी हमारे काम आएगी। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल होता है जो हेवनली बॉडीज को देखने के काम आता है। इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, आल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के कोई चल नहीं सकता है, है ना। फ्रिक्शन के लिए आप जानते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, तो बिना फ्रिक्शन के कोई चल नहीं सकता है, और अगर वो हवा में चल रहा है या पानी में चल रहा है किसी भी फ्लूइड में चल रहा है तो विस्कस ड्रैग तो लगेगा ही लगेगा। विस्कस ड्रैग भी एक फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स है, रोकने वाला फोर्स, मोशन को कमजोर करने वाला फोर्स। इफ देन ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इट इज़ नॉट बिकॉज देर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ये आपको समझना है, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन एक्सेलेरेशन नहीं है तो हो सकता है कोई फोर्स ना हो, जो कि हाइपोथेटिकली बन गया एक तरह से, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सेटेलाइट स्पेस में बहुत दूर दूसरे ऑब्जेक्ट से वहाँ घूम रहे हैं। दूसरी कंडीशन है फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं पर उनका जो नेट है अगर वो ज़ीरो होगा, नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट बिकॉज द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेज कैंसल आउट दैट इज एड अप टू ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो सिचुएशन वापस से वही हो जाएगी, तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। कंसिडर ए बुक एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये फिगर में है, ये किताब जो है रेस्ट पर पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इट इज़ सब्जेक्टेड टू टू एक्सटर्नल फोर्सेज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज इट्स वेट, उसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, टेबल लगा रही ऊपर की तरफ। द नॉर्मल फोर्स आर आर इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ऊपर की तरफ जो लग रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन मेंशन अबो, द फोर्सेज आर नॉट क्वाइट नोन फुली बट द स्टेट ऑफ मोशन इज नोन, हमें पता है किताब क्या है, रेस्ट पर है।
we observe the book to be at rest. Therefore, we conclude from first law that magnitude of R equals of W. तो वैसे R हमें directly नहीं पता था, पर किताब का weight हमको पता है. तो हमने बोला कि जो R है, वो weight W के बराबर है. A statement often encountered is, since W equal to R, forces cancel and therefore the book is at rest. ऐसा हम कहते हैं. This is incorrect reasoning. पर इसमें क्या गलत है? The correct statement is, since the book is observed to be at rest, the net external force on it must be zero. ऐसा कहना चाहिए. According to first law, this implies that the normal force R must be equal and opposite to weight W. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. इससे पता चलता है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं. कंसिडर द मोशन ऑफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहे हैं. पिकिंग अप स्पीड, स्पीड उसकी बढ़ रही है. एंड देन मूविंग ऑन ए स्मूथ स्ट्रेट रोड, सीधी बिना खड्डे वाली सड़क पे वो चल रही है. विद यूनिफॉर्म स्पीड, जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है बच्चों स्मूथ, हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं. जहाँ भी फ्रिक्शन को आपको नेग्लेक्ट करना है, वहाँ हम ये शब्द लगा देते हैं स्मूथ. और स्ट्रेट इसलिए क्योंकि आपने देखा सर्कुलर मोशन अगर है तो वहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा. दूसरी बात, आप देखेंगे कई क्वेश्चंस में जो कंपटीशन के लिए हम डील करते हैं, कार को ऐसे चलाया, रोलर कोस्टर जैसे चलता है ना. सड़क जो है ऊंची नीची, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, सड़क नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी. तो भले ही वो सड़क को हम बोलें स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट नहीं है. वहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा. इसलिए ये अजम्पशन लेना होता है स्मूथ है, स्ट्रेट रोड है. ऐसे विद यूनिफॉर्म स्पीड वो चल रही है. व्हेन द कार इज स्टेशनरी, जब वो रेस्ट पर थी, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. क्योंकि जितना उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था, उतना ही जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अर्थ का उस पर काम कर रहा था. तो नेट फोर्स जो था बच्चों वो ज़ीरो था. ड्यूरिंग पिकअप, जब उसकी स्पीड बढ़ी, इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेशन वहाँ था. दिस मस्ट हैपन ड्यू टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. नोट, इट हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स. द एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स, उसकी वजह से नहीं हो सकता. आप सोचें कार के अंदर बैठ के उसको धक्का मारे चलाने के लिए, तो इसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ में समझेंगे कि कैसे किसी पाल वाली नाव, यानी जिसमें कपड़ा लगा है, हवा के दबाव से वो चलती है, उसको चलाना है. मान लो उस दिन हवा नहीं बह रही, तो क्या आप उस नाव पर पंखा रखकर, सीलिंग फैन रखकर, बैटरी से उस पंखे को चलाकर हवा फेंककर नाव को चला सकते हैं? क्या रेल की बोगी के अंदर बैठे हुए लोग, जब ये सिचुएशन है कि रेल बहुत टाइम से चल नहीं रही है, यानी कुछ प्रॉब्लम आ गई इंजन में. अब कई बार ऐसा होता है स्टेशन पे इंतज़ार करते करते गुस्सा आ जाता है हमको कि अरे चलो हम ही धकेल के ले जाएं. तो लोगों ने सोचा कि सबने मिलके तय कर लिया कि ड्राइवर पता नहीं चलाएगा कब चलाएगा, चलो हम ही धकेलते हैं. तो अंदर से सबने धकेलना शुरू किया बोगी के अंदर से. क्या बोगी चलेगी, हिलेगी भी, वगैरह वगैरह, ये सवालों के जवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बनती हैं. ये सब हम न्यूटन्स लॉज में सीखने वाले हैं. तो कार की बात हम कर रहे थे. कार अगर स्पीड पकड़ती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर है, जो कि इंटरनल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही वो हो सकता है. दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज़ ट्रू. द ओनली कंसीवेबल एक्सटर्नल फोर्स अलॉन्ग द रोड इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्सेलरेट्स द कार एज ए होल. फ्रिक्शन तो रोकता है बच्चों, यहां पे हम क्या करें, फ्रिक्शन ही उसको चला रहा है, उसके एक्सेलरेशन में मदद कर रहा है. कैसे इसको समझेंगे, यू विल लर्न अबाउट फ्रिक्शन इन सेक्शन 5.9. वहां पर जैसे हम भी चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते.
When the car moves with constant velocity, there is no net external force. Constant velocity से चलेगी तो निश्चित रूप से कोई external force वहाँ पर नहीं है. The property of inertia contained in the first law is evident in many situations. Suppose we are standing in a stationary bus. जैसे कि आपने अनुभव किया होगा बस में खड़े हैं तो ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से महसूस होता है. एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस सडनली. ड्राइवर ने एकदम स्टार्ट करके एक्सेलरेट कर दिया. वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद जर्क. पीछे की तरफ हम जाते हैं. व्हाई? हमारे जो पैर हैं, आवर फीट आर इन टच विद द फ्लोर. इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता, वी वुड रिमेन वेयर वी वर. आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं किया हो तो जरूर करके देखें. कांच का ग्लास लें, उसके ऊपर पोस्ट कार्ड या गत्ता रखें, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखें सेंटर पे, फिर उसको फ्लिक कर दें. जैसे कैरम बोर्ड में गोटी को स्ट्राइकर को चलाते हैं, फ्लिक कर दें. या कैरम बोर्ड खेलते समय स्ट्राइकर पर गोटी रखें और स्ट्राइकर को फ्लिक कर दें. आप देखें गोटी वहीं धप से गिर जाएगी, तो सिक्का धप से ग्लास में गिर जाता है. क्यों? We would remain where we were while the floor of the bus would simply slip forward under our feet and the back of the bus would hit us. ऐसा होता. However, ऐसा होता नहीं, हमें पता है. Fortunately, there is some friction between the feet and the floor. If the start is not too sudden, that is, if the acceleration is moderate, the frictional force would be enough to accelerate our feet along with the bus. और हम भी बस के साथ साथ चल पड़ते हैं. बच्चों, इसी फ्रिक्शन को बहुत सारी मशीनरी में यूज़ किया जाता है. जैसे आटा चक्की में गेहूँ पिसते हुए आपने देखा हो, कई लोग आटा पिसाने जाते हैं वहाँ. जो समझदार होते हैं वो गेहूँ पिसाने जाते हैं, क्योंकि आटे को तो पिसाने की ज़रूरत है नहीं. तो आटा चक्की में अगर आपने गौर किया हो, जो बड़ी वाली चक्की होती है उसको चलाने के लिए साइड में एक मोटर होती है बच्चों, और चक्की तक बेल्ट जाता है, वो पट्टा जिसको कहते हैं, वो बेल्ट जब घूमता है उससे चक्की के पार्ट घूमते हैं, उसमें जो पत्थर लगे होते हैं वो घूमते हैं. तो वो बेल्ट चक्की में लगी हुई पुली को कनेक्ट कर रहा है मोटर वाली पुली से. सारा खेल हो रहा है बच्चों फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शन ही घुमाने में मदद कर रहा है. फ्रिक्शन नहीं होता सब स्लिप मार जाते, कोई किसी को घुमा नहीं पाता, एक्सेलरेट नहीं कर पाता. द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट आवर फीट अलॉन्ग विद द बस. इसलिए हम बस के साथ साथ चल पड़ते हैं जैसे वो चक्की चलती है. बट आवर बॉडी इज नॉट स्ट्रिक्टली ए रिजिड बॉडी. हमारी बॉडी बिल्कुल सॉलिड नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं. रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, जब पार्टिकल्स की पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अनचेंज रहती है तो हम उसको रिजिड बॉडी कहते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आल्सो, बाहर से फोर्स लग रहा तो भी जो रिलेटिव पोजीशन है उस बॉडी के पार्टिकल्स की वो चेंज ना हो तो रिजिड बॉडी कहते हैं. इट इज़ डिफॉर्मेबल. हमारी बॉडी डिफॉर्मेबल है. दैट इज, इट अलाउज सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स. तो जो बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखते हैं उनको पता है उसमें एक करेक्टर है बच्चों, बाघा. बाघा बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है. सारे करेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, चला के देख सकते हैं. तो बच्चों, बाघा की बॉडी अगर आप देखोगे तो वो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं. सो पैर तो हमारे आगे चले गए इनर्शिया की वजह से, सॉरी फ्रिक्शन की वजह से, पर हमारी बॉडी पीछे की तरफ फोर्स फील करती है. एज सून एज दैट हैपन्स हाउएवर द मस्कुलर फोर्सेस ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द फीट कम इनटू प्ले टू मूव द बॉडी अलोंग विद द बस. अब रोल आता है मसल्स का. मसल्स उनको एक्टिवेट करती है बॉडी के बाकी पार्ट को और साथ में लेकर जाती है फोर्स लगा के. ए सिमिलर थिंग हैपन्स वेन द बस सडनली स्टॉप्स. एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए. ब्रेक लगा दिए तो अब क्या, अब आगे की तरफ जाएंगे. ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा. आवर फीट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फीट एंड द फ्लोर ऑफ द बस. बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू मूव. वो अभी भी मोशन में है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया. We are thrown forward, the restoring muscular forces again come into play
एंड ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट। तो इस तरह से ये पूरा एक्शन मतलब ये पूरा प्रोसेस हम फोर्सेस के टर्म्स में समझते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है। एग्जांपल 5.1 डिस्कस करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री है एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप। कई बार बच्चों स्पेसशिप में इनको बाहर निकलकर ठीक करना पड़ता है, तो विशेष प्रिकॉशन क्या लेते हैं, कई पिक्चरों में भी अगर आपने देखा हो इंग्लिश फिल्म में जनरली देखने को मिलेगा, बाहर निकल रहा है अगर तो उनको रस्सी बांध के बाहर निकलना पड़ता है, एक स्ट्रिंग अटैच रहती जिससे कि वो स्पेसशिप के साथ अटैच रहे। हालांकि न्यूटन की थ्योरी क्या कहती है उसको समझें ध्यान से, वो बाहर आ गया है गेट सेपरेटेड आउट ऑफ इट्स स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी स्पेसशिप एक्सेलरेट हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें रॉकेट्स चल रहे हैं जो उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, अदरवाइज वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, किस तरह से वो हम समझेंगे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, वो आपसे पूछे। अज्यूम दैट देर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एग्जर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। तो सिचुएशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, सिंस देर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एग्जर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम एंड द स्मॉल स्पेसशिप एग्जर्ट्स नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन हिम, ये अजम्पशन है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट वंस ही इज आउट ऑफ द स्पेसशिप इज जीरो। अभी तक तो क्या स्पेसशिप अपने साथ उसको धकेल के ले जा रहा था, वो स्पेसशिप से सेपरेट हो गया है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, सेपरेट होने के बाद उसका एक्सेलरेशन जीरो है। सिमिलर सिचुएशन, बस की खिड़की से आपने एक पैकेट गिराया, एक पैकेट बाहर गिरा बस की खिड़की से, बस एक्सेलरेट हो रही थी जिस समय आपने पैकेट गिराया, जस्ट आफ्टर यू रिलीज द पैकेट अब उस पैकेट पे सिर्फ एमजी काम कर रहा है। अगर एमजी नहीं होता तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन होती, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता जीरो, पर क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है उस पर तो अभी उसका एक्सेलरेशन जी होगा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, क्योंकि अब ये बस के कॉन्टेक्ट में नहीं है। पर जब तक वो बस के कॉन्टेक्ट में थी, वो ऑब्जेक्ट, वो पैकेट जो आपके हाथ में था जो आपने गिराया, आपके साथ साथ बस के साथ वो जा रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन था और एक एम जी की वजह से जी वर्टिकल डायरेक्शन में था, तो उसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं आपको बना के बताऊँ क्या सिचुएशन। तो बच्चों मान लीजिए ये वो पैकेट है और ये बस इधर जा रही है, एक्सेलरेशन ए से पैकेट आपने छोड़ा, उसका एक्सेलरेशन छोड़ने से जस्ट पहले जी और ए का रिजल्टेंट होगा, छोड़ने से जस्ट पहले उसका एक्सेलरेशन होगा जो हमने वेक्टर ट्रीटमेंट वेक्टर्स में सीखा, इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल सकते हैं, और छोड़ने के जस्ट बाद इट इज ओनली जी आफ्टर इट इज ड्रॉप। तो ये हमको समझना है। आज इस लेक्चर में जो आपने सीखा, हमने डिस्कस किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और उसमें हमने समझा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई फोर्स ना हो, और अगर कोई फोर्स है तो इतने फोर्सेस हों कि उन सबका जो नेट है इफेक्ट वो ज़ीरो हो, तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता, नहीं तो वो एक्सेलेशन होगा। फिर हमने यहाँ पर इनर्शिया को समझा। बच्चों इनर्शिया तीन तरह का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो अपने आप नहीं चलेगा, फोर्स चाहिए, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। पंखा रुका हुआ है अपने आप नहीं चलेगा, फोर्स चाहिए, चलता हुआ पंखा अपने आप नहीं रुकेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं इसको। गाड़ी चल रही, टायर लुढ़क रहा है, टायर लुढ़क रहा है ढलान पर, अपने आप नहीं रुकेगा, फ्रिक्शन नहीं है अपने आप नहीं रुकेगा, रोकने के लिए फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो आपने फील किया होगा, यहाँ पर स्यूडो फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, एक नई टर्म मैंने बोला PSEUDO, स्यूडो हिंदी में कहते हैं इसको बच्चों छद्म, छद्म यानी छुपा हुआ,
जिसके एग्जिस्टेंस का हमें नहीं पता होता, ओरिजिन का नहीं पता होता, उसको हम स्यूडो कहते हैं, छुपा हुआ। बच्चों केमिस्ट्री भी लिंक्ड है यहाँ पर, बायोलॉजी भी लिंक हो जाएगी आगे। तो केमिस्ट्री में भी स्यूडो वर्ड यूज होता है, स्टेट्स होती हैं जो स्यूडो स्टेट्स, जिन जिन स्टेट में आने का उनका हमें नहीं पता होता कि वो स्टेट्स एक्चुअली क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होती, तो हमको स्यूडो स्टेट कह देते हैं। तो स्यूडो फोर्स आपने महसूस किया होगा जब बस टर्न लेती है, घूम रही है, और आप वही पाइप पकड़ के खड़े हैं बस में, तो आप आउटर कर्व की तरफ यानी कॉन्वेक्स साइड से अवे धकेले जाते हैं, पर कोई फोर्स लगता हुआ दिखता नहीं कि किसी ने कोई फोर्स आपके ऊपर लगाया हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स बोलेंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं इसको, कि हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी अभी भी उसी डायरेक्शन में जाती रहना चाहती है, और यही वजह होती है कि हम बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं जबकि बस घूम रही है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हमने समझा अच्छे से, उसका स्टेटमेंट जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आपको क्या लिख कर आना है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद ए सर्टन वेलोसिटी, it will remain moving in the same direction with the same velocity until unless external force, some external force is applied on it. तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं।